हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बनाएंगे हाउ टू ड्रॉ अ प्लांट सेल विद अ सिंपल ट्रिक। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये प्लांट सेल का डायग्राम है जो कि बहुत डिफ़िकल्ट लगता है और जिसे बनाने में चक्कर आते हैं, बट आइंदा से अब चक्कर नहीं आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है। सर्कल में जो कि है मैंने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप 5 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करना, क्योंकि आप पहली पहली बार ड्रॉ कर रहे हो तो पहली पहली बार के थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ना, इसलिए आपको 5 सेंटीमीटर का जो कि है सर्कल ड्रॉ करना है। देन आपको 7 लाइन्स ड्रॉ करनी है, एंड अगेन 7 लाइन्स ड्रॉ करनी है उसी के पैरेलल और उस लाइन से छोटी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। तो ये आपको स्केल की हेल्प से करनी है, और आपको इस डायग्राम की जो कि है प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 3-4 बार तो मिनिमम करनी है आपको, क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा सा याद करने वाला है। बाकी इसमें अंदर का कुछ याद अंदर का तो वो ट्रिक है, बस आपको बाहर का याद रखना है। तो ऐसी हम जो कि है 2 लाइन ड्रॉ कर ली, देन हम यहाँ पे जो कि है बाई बना देंगे। ऐसी हमें बाई जो कि है 6 बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जगह पे बाई नहीं बना हुआ है। तो बाई 7 बनाने के बाद हम जो कि है तीसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। तीसरी लाइन हम सर्किल के जो कि है ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा ड्रॉ करेंगे, मतलब कि जो हमने पहली लाइन ड्रॉ करी थी उससे ऊपर। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही सिंपल ट्रिक से जो कि है वीडियो बना के दूंगी आपको, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। क्योंकि जो सिंपल ट्रिक है वो मैंने अभी तक आपको बताई नहीं है। सिंपल ट्रिक मैं आपको तब बताऊंगी जब हम जो कि है बाहर का कंप्लीट कर लेंगे। अब ये जो कि है सारी लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, तो मेक श्योर आपने भी ऐसी ड्रॉ कर ली होगी। मैं बहुत आराम आराम से ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी मेरे संग ही ड्रॉ कर रहे होंगे। और जिन्होंने पेपर पेंसिल नहीं लिया है वो ले लो, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है डायग्राम की, तो प्रैक्टिस करते रहो। अब जो कि है हम सर्किल के बाहर लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड देन हम ये जो 2 बाई बनाए हैं उनसे मिला देंगे। तो यही सारी चीज़ें करनी है। अब जो प्लांट सेल है उसमें 2 सेल वॉल होती हैं, तो आपको पता ही होगा, और उसमें गोल्जी एपरेटस सेंट्रोसोम। एंड अब जो कि है मैं लूँगी एक कॉइन, और उससे उसकी हेल्प से मैं सर्कल ड्रॉ करूँगी। तो वो सिंपल ट्रिक आपके मैंने सामने रख दी है यहाँ पे, जो कि है सेल ऑर्गेनलीज एंड उनके इंक्लूज़न है। यही ट्रिक मैंने जो कि है बताई है आपको इस वीडियो में। ये जो ट्रिक है ना, इसको आपको याद रखना है। इस चार्ट पेपर की आपको फ़ोटो खींच लेनी है आपको इससे, या फिर आप घर पे बना लीजिए, बट आपको इसे आना चाहिए। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो बाहर से तो ऐसा दिखता है और अंदर से ऐसा दिखता है। गोल्जी एपरेटस बाहर से तो ब्लू दिखता है और अंदर से जब काटेंगे तो पिंक ब्लू दिखता है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर जो कि है मैं यहाँ पे जो अंदर का जो ड्रॉ कर रही हूँ ना, वो मैं सारी चीज़ें इसमें से ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड, ग्रैनुलस, वैक्यूल्स एंड क्लोरोप्लास्ट। इसमें जो 6 से लेकर 9 तक जो वर्ड्स हैं ना, वो हैं इंक्लूजन, एंड बाकी जितने थे वो सब थे ऑर्गेनलीज। तो ये जो कि है ना साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, तो बस आपको ये साइटोप्लाज्म की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मेक श्योर तभी आपका डायग्राम अच्छी तरीके से बनेगा। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें ना सारी चीज़ें हम जो सेल है उसको काटा है, तो जो कि है हम न्यूक्लियस को भी काट के ही बताएंगे। तो मैं यहाँ पे जो कि है न्यूक्लियस भी काटा है, और ये मैंने उसके न्यूक्लियस पोर और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बना दी है, और अंदर का बच्चा न्यूक्लियस। बाकी की हम और डिटेल्स नहीं भरेंगे, क्योंकि हम प्लांट सेल ड्रॉ कर रहे हैं। आपको बस सिर्फ ये साइटोप्लाज्म की ही चीज़ें पता होनी चाहिए, बाकी ये जो आउटर जो पार्ट है ना, ये तो बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कि जैसे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर हमने 7 लाइंस जो कि है 3 बार ड्रॉ करी,
एंड देन हमने बाई बनाए 6, और फिर उसके बाद हमने उसके ऊपर से भी लाइन खींच दी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये चीज़ तो हाल याद हो भी गई, फिर क्या है, फिर अब बस हम यही सारी चीज़ें बना देंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह। और मैं यहाँ पे जो कि है जेल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे, क्योंकि पेंसिल से वीडियो में बहुत हल्का हल्का दिखाई देता है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो मुझे बता देना। अब जो कि है मैं यहाँ पे कलरफुल करूँगी, क्योंकि ये जो कि ड्राइंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो ये मैंने ब्लू कलरफुल किया है, देन ब्राउन, ऐसे ही हम जो कि है देखते देखते फिल करते जाएंगे। और आउटर में जो कि है ग्रीन और ब्राउन ही फिल है, बाकी अंदर से जितने भी कलर मैंने यहाँ फिल कर रखे हैं ना सेल ऑर्गेनाइज एंड इंक्लूजन में, वो सारे कलर हम यहाँ पे फिल कर देंगे। और हाँ एक चीज़ और कि आपको क्या करना है, जब भी आप ड्रॉ करें तो आपको हल्के से ही ड्रॉ करना है, मतलब आपको पेंसिल को बिल्कुल भी डार्क तरीके से नहीं चलाना है। और सबसे पहले ना आप लकड़ी की ही पेंसिल यूज़ करें, मैकेनिकल पेंसिल यूज़ ना करें। मैकेनिकल पेंसिल आप बाद में यूज़ करें, पहले आप कोई भी लकड़ी की पेंसिल यूज़ करें, क्योंकि लकड़ी की जो पेंसिल जब हम चलाते हैं ना तो वो काफ़ी लाइट हो जाती है, बट जब हम मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाती है, तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एंड मेक श्योर आपको ये ड्राइंग समझ में आ रही होगी। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पिंक, ब्राउन, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, स्काई ब्लू, ब्लू, येलो, डार्क ब्लू, पिंक, ग्रीन, ये सारे कलर फिल करे हैं मैंने अच्छी अच्छी तरह से। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी आप ना ड्राइंग बनाइए तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि फर्स्ट टाइम तो आप सिर्फ ड्रॉ करना, बट जब बाद में आप दूसरी बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके जो प्लांट सेल है वो और भी अच्छी बनेगी, तभी आप जो कि है बाद में कलर फिल करना, क्योंकि जब अच्छी बनती ना तब आप कलर फिल करो तो आपको दिक्कत नहीं होती है। एंड इसको जो कि है ना आप अभी से ही चार्ट बनाना चालू कर दो, और उन पेजेस को ना संभाल के रख लेना, क्योंकि वो आपके बड़ों के काफ़ी काम आने वाली हैं। तो आप ये देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, ये एकदम रियल लग रहा है, जैसा कि बुक में बनाता है एकदम सेम टू सेम चुकी है बना है। अब जो कि है हम इनकी लाइन ड्रॉ करके हम इनकी नेमिंग कर लेंगे। तो आप मेरे साथ तो बोलते जाइएगा, जहाँ पे मैं लाइनिंग कर रही हूँ वो नेम तो मैंने पहले लिख रखे हैं, सेल ऑर्गेनाइज एंड इंक्लूजन, तो उसी से ही हमें सब कुछ पता चल जाएगा। और अब तो आपने देख भी लिया है कि कितनी अच्छी हमारी प्लांट सेल बनी है, तो सब्सक्राइब तो बनता है, और हाँ इसे दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि उन्हें पता चले इस ट्रिक के बारे में कि ये जो ट्रिक मैंने बताई है ये कितनी अच्छी है। बस उन्हें ये याद रखना है कि उन्हें इस ट्रिक को बना लेना है और घर पे चिपका लो, कहीं पे दीवार पे चिपका लो, तो उससे आपको याद रहेगा। तो ये है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, एंड ये हो जाएगा हमारा क्लोरोप्लास्ट, देन ये हो जाएगा वैकुल, एंड उसके नेक्स्ट में जो कि है गोल्जी एपरेटस। सो एज यू सी कि हमारा प्लांट सेल कंप्लीट हो गया है। एंड इसी के साथ वीडियो भी फिनिश हो गई, और आपके साथ बातें करते करते हमारी वीडियो भी कंप्लीट हो गई। तो जल्दी से इसका फ़ोटो ले लो और इसे बनाओ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।